एवरीवन, वेलकम टू रिचाज रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की दाल की चाट। यस गाइस, देखते हैं मटर चाट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। एक पाउंड मटर की दाल, इसको हम पहले 6 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट इसे भिगो कर रखेंगे और उसके बाद ये 2 या 3 विसल आने तक इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। लाइक दिस आई हैव बॉइल्ड दिस। ये बॉयल हो चुकी है। तड़के के लिए हमें क्या चाहिए होगा, चलिए देखते हैं। तड़के के लिए हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, 2 ऑनियंस चॉप्ड, 2 टमाटो चॉप्ड, रेड चिली पाउडर 2 स्पून, हल्दी पाउडर 1 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, जीरा, चलिए गाइस अब हम अपना तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं। हमारा मटर की दाल तो बॉईल हो चुकी है, तो अब तड़के के लिए हम एक पैन में 2 चम्मच ऑयल लेंगे। हमारा ऑयल हीट हो चुका है, अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और साथ ही थोड़ा सा जीरा। जीरा ये भुन चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन, साथ ही हम डाल देंगे अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैंने कद्दूकस किया हुआ है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, अब इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। साथ हम अपने मसाले इसमें डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च, ये है मेरी कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर और ये सॉल्ट। इसको 10 सेकेंड के लिए ऐसे ही भून लें। साथ ही थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी डाल दीजिए, जो हमने 2 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज थी। अब हम इसमें डालेंगे टमाटोज, अब हम इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि हमारे तेल साइड ना हो। देखिए गाइस हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें अपने बॉइल्ड मटर डाल देंगे सारे। देखिए गाइस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मैंने ये थोड़े से थिक बनाए हैं चाट। देखिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। बॉयल आने दीजिए। देखिए गाइस इसमें बॉयल आ चुका है, अब हम गैस बंद करके इसकी प्लेटिंग करेंगे। उसमें ये चाट डाली, अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से चॉप्ड ऑनियंस, थोड़े से चॉप्ड टमाटोज, थोड़ा सा चाट मसाला, 1/2 लेमन जूस, हरा धनिया, और ये थोड़ी सी सेव, इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच दही। अगर आपको दही पसंद नहीं है तो आप दही को चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं।
हमारी मटर चाट तैयार है। अब इसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। बाय बाय। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप कुलचे के साथ या फिर सिकी हुई ब्रेड के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इन्जॉय। और हाँ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।